सिटी 91.1 पर आदि के साथ हैं आप, और मैंने जैसा आपसे आज वादा किया था कि मैं आज भी एक डॉक्टर से बात करूंगा और बात करेंगे इस बारे में कि इस बार जो ये कोरोना वायरस आया है ये बच्चों में भी हो रहा है, तो इसीलिए आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान। सर वेलकम टू द शो, और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम डॉक्टर कृष्ण चुग, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव। तो सर क्या ये बात सच है कि इस बार भी बच्चों में बहुत ज्यादा ये वायरस फैल रहा है या पाया जा रहा है, इज इट ट्रू? पहली बात तो ये है कि दिस इज ट्रू। पिछली बार जब ऐसी वेव आई थी और बहुत ज्यादा केसेस हो रहे थे, शायद लॉकडाउन बहुत स्ट्रांग था, हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, एडल्ट बाहर नहीं जाता है तो घर में बीमारी नहीं लेके आता, बच्चे तो हम पहले भी घर पे थे, आजकल भी घर पे। दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि वायरस ने अपना रंग रूप बदला है, अपना कैरेक्टर बदला है, जिसे हम कहते हैं कि लगता है कि म्यूटेशन हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद डबल म्यूटेशन हो गई है, जिसके कारण उसकी स्प्रेडेबिलिटी जो है, जो उसकी इन्फेक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा हो गई। सिवियरिटी तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले भी अगर मान लें कि 1% बच्चे इतने ज्यादा अफेक्टेड होते थे कि उनको मान लो हॉस्पिटल आना पड़ जाए, तो आज भी अगर वो 1% ही है, लेकिन अगर पहले 500 बच्चे थे, 5,000 है, इसलिए ऐसे लगता है कि नंबर बहुत बढ़ गया है। लेकिन ज्यादातर बच्चों में आजकल भी वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, पहले मान लीजिए कि सिम्टम होते ही नहीं थे, आजकल होते तो हैं लेकिन कंपैरेटिवली माइल्ड ही होते हैं, थोड़ा बुखार, थोड़ा किसी किसी को लूज मोशन, किसी को वॉमिटिंग, पेट दर्द और खांसी, गला खराब, ज्यादातर यही सिम्टम है और थोड़े दिन में ही ठीक हो जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी दवाइयां नहीं देनी पड़ती। ऑल राइट, अब इस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, वो उनसे बात करेंगे रेडियो सिटी 91.1 पर आदि के साथ।